हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप भी इसी तरह के कबाब घर पर बिना ओवन, बिना तंदूर, बिना ग्रिल के बनाना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आप भी इसी तरह के डिलीशियस से कबाब बनाकर घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये 800 ग्राम है। अच्छी तरह से इसे वॉश करके स्ट्रेन कर लिया है और ये ड्राई है। कबाब में हमेशा ड्राई कीमा ही यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे 4 कुटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ। तो मिर्चों का जो स्वाद होता है इसके अंदर वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब हम कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 2 स्मॉल साइज़ की प्याज ली है, 1/4 ग्रीन कैप्सिकम लिया है और आधा मैंने बेल पेपर लिया है लाल कलर का। इन सारी सब्जियों को हमें बहुत बारीक चॉप करना है और फिर इसे यूज़ करना है। तो इसका जो फ्लेवर होता है वो कबाब के अंदर बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये गई सारी सब्जियाँ। अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, इससे काफ़ी अच्छी बाइंडिंग होती है, और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, जो कॉर्नस्टार्च होता है, अरारोट पाउडर, वो डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम धनिया पत्ती डाल देंगे, इसे बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं आधा नींबू निचोड़ रही हूँ। नींबू से काफ़ी अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो बस इतने ही मसाले हम डालेंगे जो ऑथेंटिक तुर्किश कबाब्स बनते हैं उसमें ऐसे ही मसाले जाते हैं, लेकिन अगर आपको गरम मसाला या कोई और पाउडर ऐड करना है आप कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने चिकन का ब्रेस्ट का पीस लिया था कीमे के लिए, तो उसमें फ़ैट नहीं होता है, तो हमें एक्स्ट्रा फैट डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सारे मसालों को मिक्स करना है, हमें कंबाइन कर लेना है। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये मिक्स होके। अब हमें इसे मैरिनेट करना होगा। तो मैरिनेशन के लिए आप 1 घंटा रख दें मिनिमम, या फिर ओवरनाइट रख दें, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। मेरे पास कम टाइम है तो मैं 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट कर रही हूँ। आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि आपको ये जो मिक्सचर है इसे फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि फ्रीज़र में रखने से क्या होगा कि जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही रहेगा, पतला नहीं होगा। अब देखिए, आप 1 घंटा हो गया है और ये मैं यहाँ पर इसका जो पैकिंग है वो हटा के देख रही हूँ, बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ पे स्टील के स्क्यूअर्स ले रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा पानी भी ले रही हूँ। तो अब इसका प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैंने ठंडा पानी पहले हाथ में लिया है थोड़ा सा, और एक अच्छा पोर्शन हमें लेना है मिक्सचर का अपने हाथों के अंदर। थोड़ा ठंडा पानी आप ऐड कर ले अपने हाथों पर, ताकि जो मिक्सचर है, जो चिकन है, वो हमारे हाथों पर चिपके ना। एक तरह का कबाब का शेप दे देना है और फिर सीख के अंदर इस तरह से इसे डाल के, स्क्यूअर के अंदर इसे डाल के इस तरह से इसे शेप देना है कबाब का। तो ये देखिए आप, बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। या तो आप स्क्यूअर के ऊपर चिकन का कीमा लगा दे और फिर शेप दे दे कबाब का, डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा ईजी प्रोसेस लगता है। तो मैं आपको एक और बार दिखाती हूँ। देखिए, मैंने हाथ डाला है ठंडे पानी में और अब एक अच्छा बड़ा पोर्शन लेंगे हम कीमे का। अच्छे से इसे पहले रोल करेंगे और एक कबाब का इसे शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं, जो कीमा है वो ज़रा भी चिपचिप नहीं हो रहा है हाथों के अंदर। ये इसका यही रीज़न है कि जो मेरा कीमा था, जो मसाले थे, वो बहुत ड्राई है। ये देखिए, मैंने स्क्यूअर लिया है और इसमें ऐसे बीच में से इसे एंटर करके इस तरह से इसे मैं प्रेस कर रही हूँ और कबाब का एक प्रॉपर शेप दे रही हूँ। जब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये नहीं हो रहा है, थोड़ा ठंडा पानी ले ले आप और फिर से इसे अच्छे से स्टिक करें। और जो मार्केट में, जो बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट में, इसी तरह के शेप रहते हैं, तो आप हल्का हल्के अपनी फिंगर से इसे प्रेस कर लें और हमारा कबाब का शेप बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम इसे सेक लेंगे। तो इसके लिए मैंने हैवी बॉटम का तवा लिया है। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से प्री हीट करना है,
ध्यान रखिए आपको हैवी बॉटम ही लेना है। जैसे ही ये तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इस तरह से एक एक करके आपको सीक को पैन के अंदर रखते जानी है। पहले हम जो साइड रखेंगे उसे 4 मिनट तक पकने देंगे, अभी इसे बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप 4 मिनट हो गए हैं, मैं इसे टर्न कर रही हूँ। इसका क्या रीज़न होता है कि ये अब गिरेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, छूटेगा नहीं। सिमिलरली 4 मिनट सेकेंड साइड से पकाएंगे और अब हम दोनों साइड से जब 4-4 मिनट हो जाए तो फिर अब हम दोनों साइड से 15-15 या 20-20 मिनट तक इसे पकाएंगे। क्योंकि जो चिकन है उसे गलने में ज़्यादा टाइम वैसे तो नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमा होता है तो उसे हमें आराम से गलाना है, उसके लिए हमें अच्छा टाइम देना ज़रूरी है। जो हमारा फ्लेम है उसे हाई रखना है और इस तरह से आप स्क्यूअर्स को साइड्स पे भी घुमाते जाए ताकि साइड की जो चिकन है वो भी गल जाए। तो ये देखिए आप दोनों साइड से घुमाते हुए तकरीबन आप समझिए कि आपको 30 मिनट्स लगेंगे दोनों साइड की चिकन अच्छी तरह से पकने के लिए। ये देखिए हमारे जो मसाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर लग गए हैं, हमारा बिल्कुल भी जो कीमा है वो नहीं फिसल रहा है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार ही है। इसी तरह से इसे घुमा घुमा के आपको पकाना होगा। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसका कलर भी आना स्टार्ट हो गया है और आप थोड़ा सा तेल भी लगा के इसे सेक सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी दिख रहा है मुझे। तो अब मैं आपको एक और एक बार बताती हूँ कि स्क्यूअर्स के ऊपर चिकन का कीमा कैसे आप लगाएंगे, क्योंकि अक्सर यहीं पे लोग मार खा जाते हैं और लोगों को नहीं समझता है और फिर वो लोग बोलते हैं कि अब बहुत डिफ़िकल्ट है सीख बनाना, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये देखिए मैंने चिकन का कीमा लिया हाथों में, अच्छे से इसे रोल करा, कबाब का शेप दिया और ईजीली स्क्यूअर्स को इसमें डाल दिया। अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है फॉर्म कबाब, थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी आप ले सकते हैं। एक और टिप मैं आपको दूंगी, अगर आपको लग रहा है कि ये छूट रहा है ज़्यादा, इसे आप इमीडिएटली फ्रिज में रख दें, क्योंकि फैट होना बहुत ज़रूरी होता है और हमने इसके अंदर बटर भी डाला है तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ेगा। ये देखिए इसे शेप देने के लिए हमें फिंगर्स को इस तरह से प्रेस करना है, बिल्कुल हमारा कबाब रेडी है। तो चलिए अब हम इनको भी पका लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं दोनों साइड से इसे पकाते हुए, लेकिन साइड्स जो है इसकी अभी तक के रेडी नहीं हुई है तो मैं इसे और थोड़ा पकने दूंगी। थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयल भी ब्रश कर लेंगे, इससे शाइन भी आ जाती है और स्वाद भी आ जाता है। इसे साइड्स पे भी थोड़ा लगा देंगे हम तेल को, ताकि इसका ये एरिया और ये पार्ट भी ना छूट जाए। फ्लेम जो है वो हमें हाई ही रखना है। और ये देखिए आप मुझे तकरीबन 25 मिनट्स हो गए हैं और दोनों साइड से पकाते हुए, और कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया है, खुशबू है तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए आप इसका एक क्लोज़अप लुक, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये बहुत अच्छी तरह से गल गया है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आपको लग रहा है कि ये नहीं गला है तो आप इसे 10-1 मिनट और रख दें। तो ये देखिए हमारा तुर्किश अदाना कबाब बनकर तैयार है। इसे बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो हमारा कीमा है वो ड्राई होना चाहिए, जो वेजिटेबल्स है उसके अंदर पानी नहीं होने चाहिए, टिश्यू पेपर पे या किचन टॉवल पे आप वो वेजिटेबल्स का पानी ड्राई कर सकते हैं। आप इसे हुम्मस के साथ ट्राई करें, गार्लिक सॉस के साथ ट्राई करें, केचप के साथ ट्राई करें, प्याज के साथ, आपका जो दिल चाहे उसके साथ, वो सॉसेजेस के साथ आप इसे खाए। और ये जो कबाब्स है इसे आप ज़रूर से एक बार घर पे बनाएं और आपके फीडबैक्स मुझे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखिए मैंने आपको बताया था, अंदर से देखिए कितना अच्छी तरह से गल के ये तैयार है, कुछ भी कच्चा नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये। आपको फ्रेंड्स ट्राई करके ही पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी अच्छी है। तो आप लोग भी ट्राई करिए, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो और एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन ईट हेल्दी एंड ईट होममेड। थैंक यू।